फोटो खींच रहा है ना, क्या नाम है तेरा? तेरी फोटो मैं खिंचा दूंगा भाई, गुस्सा मत कर। नहीं नहीं नहीं, पढ़े लिखे मेरे को शिकायत, पढ़ाई लिखाई कोई बात नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। पढ़ाई लिखाई सिखा रहा है मेरी बात। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे में बाप की सत्ता की खूब गर्मी देखने को मिली और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई। जब मंत्री साहब को अपनी किरकिरी होती दिखी तो बेटे से माफी मंगवा ली। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। हुआ कुछ यूं कि पूर्व मंत्री के बेटे रिपुदमन सिंह का ग्वालियर में पुलिसकर्मियों को हड़काते हुए वीडियो सामने आया। 5 मिनट के इस वीडियो में पूर्व मंत्री का बेटा पुलिसकर्मियों को हड़काता दिख रहा है और इस दौरान वो फोन लगाकर एक सिपाही का नाम लेकर उसे बंगले पर बुलाने की धौंस भी दे रहा है और पुलिसकर्मी उसके आगे गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे शहर में लॉकडाउन लगा है। ऐसे में पूर्व मंत्री का बेटा जब हाईवे पर बिना मास्क लगाए एक्टिवा में घूमता नजर आया तो पुलिस ने उसे रोका और लॉकडाउन का हवाला देकर मास्क नहीं लगाने और घूमने की वजह पूछी। बस यही बात पूर्व मंत्री के पुत्र को पसंद नहीं आई और पारा पहुंच गया 7वें आसमान पर, जिसके बाद उसने अपना परिचय देते हुए पुलिस को हड़काना शुरू कर दिया। इतने में एक पुलिसकर्मी ने वीडियो बनाना शुरू किया तो पूर्व मंत्री का पुत्र उससे कहता है कि तू फोटो खींच रहा है, तेरा फोटो मैं खिंचा दूंगा। फोटो खींच रहा है ना, क्या नाम है तेरा? तेरी फोटो मैं खिंचा दूंगा भाई, गुस्सा मत कर। नहीं नहीं नहीं, पढ़े लिखे मेरे को शिकायत, पढ़ाई लिखाई कोई बात नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। करीब 5 मिनट तक पूर्व मंत्री का पुत्र बार बार पुलिसकर्मियों को हड़काता रहा। काफी मिन्नतों के बाद पुलिस ने उसे मास्क दिया और घर के लिए रवाना किया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो मंत्री साहब को किरकिरी होती दिखी और फिर अपने बेटे को लेकर वो पुलिस के पास पहुंच गए। पहले उनके बेटे ने माफी मांगी और फिर 100 रुपए का चालान भी कटवाया, लेकिन सवाल यह है कि कैसे बाप की सत्ता की गर्मी बेटे के सिर चढ़ गई और कैसे बेटा अपने आप को नियमों के परे समझने लगा। न्यूज़ डेस्क।